ओम धन्वंतराय नमः। तो आज हम चरक चिकित्सा स्थान का चिकित्सा सूत्र यानी चिकित्सा सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ज्वर, रसायन और बाजीकरण, ये दोनों प्रथम और द्वितीय अध्याय है। रोग चिकित्सा शुरू हो रहा है चिकित्सा स्थान का थर्ड चैप्टर से, वो है ज्वर चिकित्सा। तो ज्वर चिकित्सा में सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लंघन, और उसका अंतिम चिकित्सा जो है वो विरेचन। सन्निपात ज्वर वर्धनेन एकदोषस्य क्षपणेन उच्छेदस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपात ज्वरम जयेत। तो ये कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा सन्निपात ज्वर का भी है और मदात्यय में भी कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा किया जाता है। धातुगत ज्वर की चिकित्सा, रस धातुगत ज्वर में बमन उपवास करेंगे, रक्त धातुगत ज्वर में सेक प्रदेह संसमन होगा, मांसमेद में विरेचन उपवास, अस्थि मज्जा में निर्वहन वासन, और शुक्र धातुगत ज्वर जो है वो असाध्य होता है। पुनरावर्तक ज्वर, मृदु शोधन, यापनावस्थी, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही मृदु शोधन और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। कामला में मृदु शोधन करते हैं, योनि व्यापत में मृदु शोधन करते हैं, वातव्याधि में मृदु शोधन करते हैं। यापनावस्थी पुनरावर्तक ज्वर में देंगे तिक्त घृत और किरात तिक्तादि क्वाथ देंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सन्निपात ज्वर और सन्निपात अतिसार में सबसे पहले पित्त दोष की चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट इज रक्तपित्त, प्रतिमार्ग हरणम रक्तपित्त विधीयते और विरेचनम तो पित्तस्य जयार्थम परम औषधम। और ये जो दो लाइन है ये चरक का निदान स्थान का रेफरेंस है, ठीक है, और इसी को डिटेलिंग किया गया है चिकित्सा स्थान में, पर ये दोनों लाइन जो है वो निदान स्थान का है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आता होगा, ऊर्ध्व में हम विरेचन करेंगे, अधोग में हम बमन करेंगे, और उभयोग में दोनों को करना पड़ेगा। ऊर्ध्व जो है साध्य है, अधोग याप्य है, और उभयोग रक्तपित्त जो है वो असाध्य है। नेक्स्ट इज गुल्म चिकित्सा, आदावंते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता, नित्यम च अग्नि समाधि स्निग्धस्य च सर्वकर्माणि, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात गुल्म में जो सबसे प्रधान दोष रहता है वो है वात दोष, और प्रधान कारण है वो है मंदाग्नि। और वात जो गुल्म जो है उसके चिकित्सा में वो कहते हैं कि पुनः पुनः हमको स्नेहन स्वेदना निरूहन वासन करना है, कफपित्त को ध्यान में रखते हुए, कफपित्त अनुरक्षिणा। रक्तगुल्म, तो रक्तगुल्म के चिकित्सा स्नेह विरेचन करेंगे और मासे व्यतीत दशमे चिकित्सा, 10 months कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि रक्तगुल्म में गर्भ समगर्भ लिंग आता है, मीन्स गर्भिणी जैसा लक्षण मिलेगा, और जो सामान्य प्रसव काल है वो आचार्य चरक के अनुसार है नवम और दसम मास। तो इसलिए रक्तगुल्म की चिकित्सा में मास से व्यतीत दसमे चिकित्सा रहा, और गुल्म का टाइप जो है वो 5 है, अधिष्ठान भी 5 है। नेक्स्ट इज प्रमेह चिकित्सा, तो प्रमेह अगर रोगी बलवान है तो संशोधन करेंगे, अगर दुर्बल है तो वहां पर भ्रूंहण करेंगे, और निदान स्थान में जो वर्णन हुआ चिकित्सा सिद्धांत वो है संशोधन उपशमन। कुष्ठ चिकित्सा, आचार्य चरक के अनुसार कुष्ठ वातज कुष्ठ में सर्पिपान, नट बस्ती, कफज में बमन, पित्तज में रक्तमोक्षण और विरेचन। सुश्रुत, बागभट और चक्रदत्त में वर्णित हुआ कि 15 दिन में एक बार बमन कराएंगे, 1 मास में एक बार विरेचन कराएंगे, 6 मास में एक बार रक्तमोक्षण कराएंगे और 3 दिन में एक बार नस्य देंगे। रसतन समुच्चय के अनुसार 7 दिन में एक बार नस्य। नेक्स्ट इज राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा में आवस्थी की क्रिया करेंगे क्योंकि राजयक्ष्मा जो है रोग समूहानांग श्रेष्ठ है। राजयक्ष्मा त्रिरूप षड्रूप एकादश रूप होता है और सभी एक एक भिन्न भिन्न रोग है, तो अवस्था के अनुसार कितने लक्षण आया है उसके अनुसार चिकित्सा करना है। आवस्थी की क्रिया इज इंडिकेटेड इन राजयक्ष्मा। जुगुप्सा चिकित्सा करना है क्योंकि यहाँ पर ब्रूंहण कर्म करेंगे, ब्रूंहण कर्म करने के लिए मांस रस सबसे बेस्ट है, और मांस जो है कोई इच्छा के साथ अगर नहीं ले रहा है तो, लेकिन उसको हमको मांस देना पड़ेगा, तो उस वहां पर हम उसको छुपा के देंगे, दैट इज जुगुप्सा चिकित्सा। जुगुप्सते का अर्थ हुआ घृणा करना, तो रोगी को घृणा भाव रहेगा तो उसको लेकिन हमको छुपा के देना है। हर्षण और आश्वासना क्रिया ये भी राजयक्ष्मा में करेंगे, और राजयक्ष्मा में लास्टली वो कहते हैं दैवोपाश्रय चिकित्सा भी करना है। उन्माद, वातस में स्नेहपान करेंगे, पित्तस में विरेचन करेंगे, कफस में बमन करेंगे। संपूर्ण पंचकर्म उन्माद चिकित्सा में ही कहा गया और वो निदान स्थान का रेफरेंस है। हर्षण, वित्रासन, सांत्वना, विस्मरण, प्रतिद्वंद चिकित्सा, तो ये सारे चिकित्सा जो है उन्माद चिकित्सा में इंडिकेटेड है, प्रतिद्वंद चिकित्सा इंपॉर्टेंट। जो एंटायर पंचकर्म है वो निदान स्थान में ज्वर और उन्माद ये दोनों के लिए इंडिकेटेड है।
अपस्मार, वातज अपस्मार का बस्ती, पित्तज अपस्मार में विरेचन, कफज अपस्मार में बमन। निदान स्थान में जो कहा गया वो है तीक्ष्ण संशोधन और उपशमन, प्रमेह में संशोधन उपशमन, और अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन उपशमन करेंगे। और अपस्मार चिकित्सा में ही अतत्व अभिनिवेश का वर्णन हुआ, तो जिसके चिकित्सा में कहते हैं कि स्नेहन स्वेदन पूर्वक संशोधन करेंगे और मेध्य अन्नपान देंगे, संसर्जन क्रिया जो करेंगे उसमें हमको मेध्य अन्नपान का प्रयोग करना है अतत्व अभिनिवेश। और उसी में ही कहेंगे अतत्व अभिनिवेश में सतावरी क्षीर देने के लिए, रसोन तैल देने के लिए, है ना, तो यह अतत्व अभिनिवेश का चिकित्सा है। शतक्षेण, नागवला, मंडुकपर्णी, सुंठी, यष्टिमधु, तो ये चारों में से किसी एक का वर्धमान प्रयोग करेंगे और उस समय दुग्धार में रहना है, अन्न वर्जन करना है। शोथ चिकित्सा, तो शोथ अगर आमज है तो वहां पर चिकित्सा होगा लंघन पाचन। विबद्ध बिठ अनिलजे, वातज शोथ है और उसमें पूरी सबद्धता हुआ है तो वहां पर निरोवस्थि देंगे। पित्त अनिलजे, तिक्त घृत देंगे। बिदारिका, तो ये सारे शोथ में ही है, तो बिदारिका का चिकित्सा जो है वो होगा विश्रावण, उपनाह, और जब पक्व हो जाएगा प्रणवत चिकित्सा करेंगे। कक्षा मसूरिका रोमांतिका और बिदारिका में दोष है वात कफ, कक्षा मसूरिका रोमांतिका, तो ये तीनों में कक्षा में दोष है पित्त प्लस वात, मसूरिका रोमांतिका में पित्त प्लस कफ, ये तीनों की चिकित्सा करेंगे कुष्ठ विसर्पनाशक चिकित्सा। मूत्र वृद्धि, मेद वृद्धि, कफ वृद्धि, ये तीनों में पाटन क्रिया करना है। भगंदर का चिकित्सा भी शोथ चिकित्सा में वर्णित हुआ, विरेचन, ऐसणम, पाटनम, शोधनम, फिर तैलदाह क्षार सूत्र, यहीं पर याद रखना है आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षार सूत्र का वर्णन हुआ नाड़ीव्रण चिकित्सा में, और उसी अध्याय में कहा गया कि भगंदर और अर्बुद में भी हम क्षार सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आद्य चिकित्सा भगंदर का हो गया विरेचन। स्लिपद में शिराभ्यध, कफग्न चिकित्सा और सरसपलेप, इंपॉर्टेंट, आचार्य सुश्रुत ने भी स्लिपद को विश्राव्य रोग के अंतर्गत किए हैं, तो शिराभ्यध किए, कफग्न चिकित्सा किए और सरसपलेप याद रखना है। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं स्लिपद से निवृत्ति के लिए सरसप तैल पान करना है, पुतिकरंज स्वरस, पुत्रंजीवक स्वरस और सरसप तैल का पान करना है। और आचार्य चरक कहते हैं स्लिपद में सरसप का लेप करना है। जालक गर्दव, विलंघन, रक्त विमोक्षणम, विरुक्षणम, काय विशोधनम च, तो यहाँ पर ये चारों रहेंगे और उसके साथ धात्री प्रयोगान शिशिरान प्रदेहान, धात्री का प्रयोग करेंगे और ठंडा प्रदेह, शीत प्रदेह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जालक गर्दभ में जो दोष है वो रहेगा पित्त, पित्त का प्राधान्य। उदर रोग, उदर रोग में मंदाग्नि के कारण उदर रोग हुआ और उदर रोग में पुरुष का प्रवर्तन नहीं हो पा रहा है, प्राणवायु, अग्नि और अपानवायु की विकृति हुआ है, तो उदर रोग का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो होगा नित्य विरेचन। प्लीहोदर में स्नेह स्वेद विरेक निरुह अनुवासन करेंगे। शिराभ्यध अग्निकर्म, इंपॉर्टेंट, शिराभ्यध प्लीहोदर में वामबाहु, उर्पर संधि, आभ्यंतर शिरा को वेदन करेंगे। आचार्य सुश्रुत कहेंगे दधि और अन्न सेवन कराने के बाद शिराभ्यध करना है प्लीहोदर में। और यकृदल्युदर में दक्षिण बाहु, कुरपर संधि, अभ्यंतर शिरा को वेदन करना है। बद्ध उदोदर में स्नेह निषेध, उदावर्त हर चिकित्सा, वातघ्न क्रिया करेंगे, परिसंचिनी अन्नपान देंगे, वातानुलोमक अन्नपान देंगे, कहाँ पर ना अपानवायु धारणजन्य रोगों में, परिसंचिनी अन्न देंगे बद्ध उदोदर में, प्रमाथी अन्नपान देंगे पुरुष वेग धारणजन्य रोगों में, छिद्रोदर में स्वेदन निषेध और कफज उदर रोग नाशक चिकित्सा को प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट। जलोदर में सबसे पहला चिकित्सा होगा अपांग दोष हरण, जल का निहरण करेंगे और वो भी व्यधन कर्म से। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं चरक संहिता में कि व्यध्य रोग कौन सा है, जब हम द्विव्रणीय चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पर आचार्य चरक बताएंगे छह प्रकार के शस्त्र कर्म है, तो वहां पर वो बताएंगे कि कौन कौन से रोगों में कौन कौन सा कर्म करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जलोदर जो है वो है व्यध्य रोग। दुष्योदर अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, क्रियायाम संशय भवेत, और यही सेम लाइन आचार्य सुश्रुत ने अस्मरी के लिए कहे और आचार्य चरक ने दुष्योदर के लिए कहे कि अगर हमने क्रिया करते हैं तो वहां पर जीवित रहने का संभावना है, पर अगर हम क्रिया नहीं करेंगे, चिकित्सा नहीं करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। पान और भोजन में विष का प्रयोग करेंगे, आचार्य सुश्रुत क्लियर करेंगे कि दुष्योदर में हमको मूल विष और कंद विष का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज अर्श चिकित्सा, तो अर्श दो प्रकार के हैं, शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श। शुष्क अर्श में हमको अग्निदीपन करना है प्लस कोष्ठ शुद्धि कराना है, रक्तार्श में
ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रक्ताश का चिकित्सा सूत्र, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज स्निग्ध शीतम हितंग वाते रुक्ष शीतम कफानुगे, है ना। तो रक्ताश में दोष रहा रक्तपित्त, उसमें अगर वात का अनुबंध रहा तो वहां पर हम स्निग्ध शीत देंगे, क्योंकि प्रधान दोष है रक्तपित्त, तो उसके विपरीत होगा शीत, और वात का अनुबंध है इसलिए हम देंगे स्निग्ध। तो स्निग्ध शीत हितंग वाते और रुक्ष शीतम कफानुगे, कफ का अनुबंध रहा पर प्रधान दोष रहा रक्त और पित्त, तो रक्त पित्त है तो शीत तो कॉमन रहेगा, कफानुबंधी के कारण रुक्ष दिए, तो स्निग्ध शीतम हितंग बाते रुक्ष शीतम कफानुगे। अग्नि संदीपन, रक्त संग्रहण, दोष पाचन, ये तीनों क्रिया करने की जरूरत है रक्तार्थ में, और ये तीनों कर्मों को करने वाला रस वन एंड ओनली तिक्त रस है। मधुर अम्ल और शीत उष्ण का व्यत्यास चिकित्सा करेंगे रक्तार्थ में। नेक्स्ट इज ग्रहणी, पक्वाशयगत आम को दीपन और विरेचन के द्वारा चिकित्सा करेंगे, सर्व शरीरगत आम तो उसको लंघन पाचन के द्वारा चिकित्सा करेंगे। सन्निपात ग्रहणी में पंचकर्म करेंगे, अग्नि दीपन करेंगे, पंचकर्म करने के बाद जब हम अग्नि दीपन की बारी आएगी तो उस समय हम आसव अरिष्ट क्षार तो ये सबको प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो और उसके आगे वो बता रहे हैं वात पित्त कफ और चिकित्सा का व्यत्यास क्रिया करेंगे, तो ये तीनों चिकित्सा है सन्निपात ग्रहणी का। भस्मक का वर्णन हुआ ग्रहणी चिकित्सा में, जिसमें कंडीशन है क्षीण कफ, तो भस्मक का जो चिकित्सा है तो वो है शिराभ्यध, क्योंकि भस्मक मीन्स अत्यग्नि, शिराभ्यध करने से डायरेक्टली रक्त यानी धातु को हम क्षय करा रहे हैं, तो उसके वजह से तुरंत वो अग्निमंद होगा, तो इसलिए भस्मक का सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा जो है वो है शिराभ्यध। उसको छोड़ के भुक्त्वा प्रस्वपनम दिवा, खाना खिलाने के बाद उसको दिन में सुला देना है, तो उससे अग्निमंद हो जाएगा, तो ये भस्मक की चिकित्सा है इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ वहां पर बताया गया कि नारी स्तन्येन संयुक्तम पिबेत उदुम्बरी त्वचा। नेक्स्ट इज पांडु, तीक्ष्ण संशोधन करना है कामला में, मृदु विरेचन करना है तिक्त घृत से, इंपॉर्टेंट, तिक्त घृत से मृदु विरेचन करना है कामला में, पर पांडु में करना है तीक्ष्ण संशोधन। शाखाश्रित कामला, तो शाखाश्रित कामला में चिकित्सा करेंगे तं पित्तम कफ हरे जयत, तिल पिष्ट निभयस्तु वर्च सृजति कामली श्लेष्मणारुद्ध मार्गता पित्तम कफ हरे जयत। हलिमक चिकित्सा, तो हलिमक को महाव्याधि कहा गया, और हलिमक में दोष है वात और पित्त, उसके चिकित्सा करेंगे गुड़ुची स्वरस सिद्ध माहिष घृत से, त्रिवृत को आमल की स्वरस के साथ देना है, और अगस्ती हरितकी का प्रयोग करेंगे हलिमक में। नेक्स्ट इज हिक्का श्वास, यत किंचित कफवात अघ्नम उष्णम वातन लोमनम, क्योंकि हिक्का श्वास दोनों में दोष है कफवात, वातकृद्वा कफहरम कफकृद्वा अनिलापहम, लेकिन एकांतिक चिकित्सा कंट्राइंडिकेटेड है, और अगर हमको एकांतिक करना पड़ रहा है तो श्रेयस्तु अनिलापहम, वातहर चिकित्सा जो है वो श्रेयस्कर है। भ्रूंगण क्रिया समन क्रिया निर्दिष्ट है, पर कर्षण चिकित्सा जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है। याद रखना हिक्का श्वास में एक तो एकांतिक चिकित्सा कंट्राइंडिकेटेड है, दूसरा है कर्षण चिकित्सा कंट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज काश, पित्तानुबंधी वातस काश में सर्पिपान, कफानुबंधी वातस काश में स्नेह विरेचन करेंगे, कफानुबंधी पित्त काश में सर्पिसा बमनम, पित्त सर्पी के द्वारा चिकित्सा होगा, कफ बमन के द्वारा निकलेगा, तो कफानुबंधी पित्त काश में सर्पिसा बमनम, कफानुबंधी वातस काश में स्नेह विरेचन इंपॉर्टेंट, और कफ जो काश है तो उसमें बमन करना है। इंपॉर्टेंट इज क्षतज और क्षयज, तो यह क्षतज काश उरक्षत से ये काश हुआ है, तो अत्यय का चिकित्सा करेंगे और पित्तघ्न क्रिया करेंगे, और चिकित्सा क्या करेंगे ना मधुर जीवन यश्च बलवांच विवर्धने, क्षयज काश दीपनं गृहणं चैव स्वतसां च विशोधनं, क्षयज काश का चिकित्सा है। नेक्स्ट इज अतिसार, मध्य दोष अतिसार में दीपन पाचन प्रमथ्या देंगे, अल्प दोष अतिसार में लंघन करेंगे, भयातिसार और शोकातिसार ये दोनों में वाताधिक्य रहता है आचार्य चरक के अनुसार, ये दोनों में वात और पित्त के आधिक्य रहता है अष्टांग हृदय के अनुसार, भयातिसार में वातघ्न आश्वासना क्रिया, शोकातिसार में वातघ्न हर्षण क्रिया, सन्निपात अतिसार में वात पित्त कफ इन तीनों का चिकित्सा क्रम से करना है। नेक्स्ट इज सर्दी, लंघन कफ पित्त हरि संशोधन करेंगे, वातज सर्दी में लंघन निषेध है, सर्दी का आद्य चिकित्सा जो है वो लंघन है, क्योंकि सर्दी जो है वो एक आमाशय समुत्थ विकार है, कारण के साथ याद रखना है, और यहाँ पर कफ पित्त हरि संशोधन करेंगे, वातज सर्दी में लंघन निषेध है। नेक्स्ट इज विसर्प, आद्य चिकित्सा विसर्प का है विरेचन, श्रेष्ठ चिकित्सा है रक्तमोक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट,
विसर्प काद्य चिकित्सा विरेचन है, श्रेष्ठ चिकित्सा रक्तमोक्षण है, एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षण में एकतः। आचार्य सुश्रुत कहते हैं विसर्प में सारे क्रिया के लिए वरुणादिगण का प्रयोग करेंगे। तृष्णा चिकित्सा, क्षयज तृष्णा, क्षयज काशनाशक चिकित्सा, क्षतक्षीण चिकित्सा, शोषनाशक क्रिया करेंगे क्षयज तृष्णा में। और क्षयज तृष्णा का अर्थ है रस क्षयज तृष्णा, यहाँ पर मद्यज तृष्णा, वहां पर मद्यपान कराएंगे, जो कि हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी उपशय है। नेक्स्ट इज विष, तो विष 24 उपक्रम है। आद्य चिकित्सा है मंत्र, अंतिम चिकित्सा है मृत संजीवन का प्रयोग, और सारे विष जो है वो उष्ण होते हैं, तो इसलिए सारे विषय में हमको शीतक्रिया करना है एक्सेप्ट वृश्चिक एंड उच्चिटिंग, क्योंकि वृश्चिक और उच्चिटिंग जो है ये दोनों का विषय जो है वात प्रधान है, तो इसमें हमको उष्ण क्रिया करना है। नेक्स्ट इज मदात्य, तो मदात्य में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करना है। नेक्स्ट इज द्विव्रणीय, तो व्रण चिकित्सा आचार्य चरक कहते हैं कि 36 उपक्रम होता है, पर आचार्य सुश्रुत के अनुसार 60 उपक्रम, सूत्र स्थान में कहा गया सप्तविध उपक्रम, तो ये जो 36 उपक्रम है, तो यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार आद्य चिकित्सा जो है सोफघ्न क्रिया, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार षष्ठी उपक्रम जहां पर वो बता रहे हैं, तो वहां पर वो आद्य उपक्रम कहते हैं अपतर्पण। अंतिम चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार है लोमरोहण, जबकि सुश्रुत के अनुसार अंतिम चिकित्सा जो है वो है रक्षा विधान। और अगर हम सूत्र स्थान में जाएंगे आम पक्वेषणी अध्याय में, जहां पर उन्होंने बताए हैं कि सप्तविध उपक्रम, तो वहां पर आदो बिम्लापनम कुर्यात, आद्य चिकित्सा जो है वो है बिम्लापन, और जो सप्तम चिकित्सा है वो है वैकृतापहम चिकित्सा। नेक्स्ट इज त्रिमर्मीय, उदावर्त में बर्ती निर्भव बस्ती, स्नेह विरेचन और अनुलोमन करने वाला अन्नपान देना है, अनाह में बमन करना है प्लस लंघन पाचन, पित्तज मूत्रकुच्छ इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्म ऋतुचर्या करना है, पित्तज मूत्रकुच्छ में ग्रीष्म ऋतुचर्या, स्वेदन के अतियोग में ग्रीष्म ऋतुचर्या, वात पित्ताधिक्य में ग्रीष्म ऋतुचर्या, त्रिदोषज मूत्रकुच्छ में वायु स्थानानुपूर्वी क्रिया करना है, अस्मरी में भेदन और पातन, त्रिदोषज हृदय रोग में लंघन करेंगे, और अगर अन्न जीर्ण होने पर हृदशूल हो रहा है तो स्नेह विरेचन, अन्न जीर्ण काल में मीन्स पाचन काल में शूल हो रहा है तो वहां पर फल विरेचन देंगे, अगर त्रैकालिक शूल हो रहा है तो वहां पर मूल विरेचन देंगे। तालुशोष में उत्तर भक्तिकम सर्पिपान, वेरी इंपॉर्टेंट, तालुशोष में उत्तर भक्तिकम सर्पिपान कराएंगे। कर्णशूल में पिनस नाशक वातघ्न क्रिया, क्योंकि पिनस का उपद्रव है कर्णशूल, तो इसलिए हमको पिनस नाशक क्रिया करना है और वातघ्न क्रिया। वातिक स्वरभेद में उपरी भक्तानि सर्पिपान, रक्तज स्वरभेद में पित्तघ्न क्रिया प्लस क्षयज काशनाशक क्रिया, इंपॉर्टेंट इज सन्निपात स्वरभेद में शिराभेद निषेध है, और बाकी सारे हम त्रिदोषनाशक चिकित्सा उसमें करेंगे लेकिन शिराभेद नहीं करेंगे। उरुस्तंभ आम त्रिदोष समुत्थ विकार है, तो संशमन क्षपण शोषण क्रिया करेंगे, संशमन क्षपण शोषण, लेकिन उसके अंतिम लाइन में वो कहते हैं कि कफ के जब क्षपण करोगे तो उस समय ध्यान में ये रखना है कि जैसे मारुत का आवाहन ना हो जाए, क्योंकि जितने भी कफ नाशक द्रव्य है वो सारे हैं वातवर्धक, तो इसलिए हमको ड्रग सिलेक्ट करते समय इस चीज को माइंड में रखना है कि हम जिसके द्वारा कफ का क्षपण कर रहे हैं तो उसके द्वारा मारुत का आवाहन ना हो। नेक्स्ट इज वात व्याधि, कोष्ठगत वात में क्षारपान, गुद पक्वाशयगत वात और अवृत वात में उदावर्त हर क्रिया करना है, त्वगत वात में हृदय अन्नपान देंगे, बाहु शीर्षगत वात में नस्य उत्तर भक्ति का घृतपान कराएंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आचार्य चरक ने अवबाहु का और विश्वाची का वर्णन अलग से नहीं किए हैं, तो बाहुगत वात का अर्थ वही है, तो बाहु शीर्षगत वात जो है उसमें नस्य और उत्तर भक्ति का घृतपान देना है, अधो नाभिगत वात में अवपीड सर्पी देना है, वही अवपीड सर्पी जो कि हमने मूत्र वेग धारण जन्य रोगों का चिकित्सा में पढ़े थे, वही अवपीड सर्पी देना है। अर्दित में नावनम, मूर्धा तैल, तर्पण, नाड़ी स्वेद और उपनाह करना है। पक्षवध में स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। गृध्रसी में अंतरा कंडरा गुल्फ शिरावस्ती अग्निगर्म च। और वहीं पर आपको याद रखना है कि खल्ली चिकित्सा, तो खल्ली में उष्ण उपनाह करना है। अपान वायु से आवृत्त होने पर दीपन ग्राही भेषजम, वातानुलोमन पक्वाशय विशोधन करना है, पक्वाशय विशोधन, जबकि हम जो वस्त्र हृदय पढ़ेंगे तो वहां पर वो लिखेंगे मूत्राशय विशोधन। आवृत वात और आवरण की चिकित्सा सूत्र जो है वह अनविस्यंदी विस्निग्ध स्रोत शुद्धिकारक, कफपित्त अविरुद्ध वातानुलोमन,
ऐसे द्रव्य हम देंगे जो कि कफ पित्त का विरुद्ध ना हो और वात का भी अनुलोमन करता हो। पित्तावृत वात में पित्तघ्न मारुतस्य अविरोधी भी और कफावृत वात में कफघ्न मारुतस्य अनुलोमन। और ये आवरण में और एक लाइन आपको याद रखना है कि सारे रसायन रसायन का प्रयोग करेंगे, सर्वेशम रसायनानां प्रयोग आवरण में। नेक्स्ट इज वात रक्त, न ही वस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सित। वात रक्त का सबसे प्रधान चिकित्सा जो है वो है वस्ती, न ही वस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सित। तो ऐसा ही चरक सिद्धि 9 में हम पढ़ेंगे, मर्म परिपालन करने के लिए भी श्रेष्ठ चिकित्सा जो है वो है वस्ती है। नेक्स्ट इज योनि व्यापत, तो योनि व्यापत में भी वात के आधिक्य रहता है, तो मृदु संशोधन करेंगे। वातिक योनि व्यापत में हिंसा कल्क के द्वारा पिचु धारण, पित्तज योनि व्यापत में पंचवल्कल से पिचु धारण, कफज योनि व्यापत में श्यामादि का पिचु धारण करना है। और स्तन्य दुष्टि का वर्णन भी उसी अध्याय में हुआ, तो स्तन्य दुष्टि का जो प्रधान चिकित्सा है वो है बमन। तो यहीं पर खत्म हो गया